नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में मौतों पर बोला भारत, आम लोगों की नहीं जानी चाहिए जान, मदद जारी रहे। असम में 8,756 उग्रवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा बोले नई दिशा की ओर बढ़ रहा है असम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वोटर से पीएम मोदी की अपील, महापर्व की रौनक बढ़ाएं, हर वोट कीमती। एमपी और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच भूपेश बघेल बोले यह प्रजातंत्र का महापर्व, सभी वोट करें। एक दिन में गिर गया 3 डिग्री पारा, दिल्ली एनसीआर और यूपी समेत उत्तर भारत को सताएगी ठंड, दिन के वक्त तेज धूप निकल रही है। संभल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित 3 हॉस्पिटल सीज, अवैध हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप। अंबेडकर नगर में पराली जलाना पड़ा भारी, 4 किसानों पर दर्ज हुआ मुकदमा, 2 लेखपाल किए गए निलंबित। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, मामा भांजे पर कार सवार बदमाशों ने किया हमला। बुलंदशहर में निकाली गई संविधान बचाओ यात्रा, मरते दम तक लड़ूंगा संविधान की लड़ाई। देवरिया में ठंडी शुरू होते ही चोरों के हौसले बुलंद, नकदी समेत 2.5 लाख की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। गाजा के अल-शिफा अस्पताल में इजरायली सेना को मिला हॉस्टेज की वीडियो, अस्पताल से थोड़ी दूर पर मिली बंधक की लाश। कनाडा की मंत्री मैरी एनजी की मोदी सरकार को धमकी, भारत निज्जर हत्याकांड की जांच करने के लिए तैयार है। एक को 45 करोड़ तो दूसरे को 11 लाख यूएई में 5 भारतीयों की निकली बम्पर लॉटरी, श्रीजू के महजूज सैटरडे मिलियंस में करीब 45 करोड़ रुपए जीते। अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीतेगा, पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह ने किया पोस्ट। इसराइल हमास की जंग के बीच ओसामा बिन लादेन का 21 साल पुराना पत्र वायरल, आतंकी ने अमेरिका को लिखा था लेटर। डेविड मिलर के शतक पर फिरा पानी, सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की हार, 8वीं बार विश्व कप के फाइनल से ऑस्ट्रेलिया। सुसाइड के ख्याल से वर्ल्ड कप में भारत का मसीहा बनने तक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है मोहम्मद शमी की कहानी। रोहित शर्मा और डेविड बेकहम ने टीम इंडिया और रियल मैड्रिड की जर्सी अदला बदली की, तस्वीरें वायरल। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोच नहीं होंगे राहुल द्रविड़, अब तक बीसीसीआई ने नहीं दिया नया ऑफर। अहमदाबाद में फाइनल से पहले होगा एयर शो, एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम दिखाएगी दमखम। घूमर में अभिषेक बच्चन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था अल्कोहलिक सीन, एक्टर ने कहा शराब की एक बूंद भी नहीं छुई। एक बार फिर पोस्टपोन हुई कैटरीना कैफ, विजय सेतुपति की फिल्म अब अगले साल होगी रिलीज। साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा ने बॉलीवुड में मारी ऐसी एंट्री, पहली फिल्म ने की 1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई। विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली ओटीटी पर हुई रिलीज, कॉमेडी से भरपूर है ये फिल्म।
एक्विनोम केस के बीच रिलीज हुआ एल्विस यादव के नए गाने वहम का धमाकेदार टीजर। एल्विस यादव एक फेमस यूट्यूबर हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।